नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। शिवसेना नेता संजय राउत करीम लाला से इंदिरा गांधी के मुलाकात वाले बयान से पलट चुके हैं। क्यों पलटे, ये सबको पता है कि कांग्रेस के साथ शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार चल रही है और उन्हें पलटना ही था। हालांकि पलटते हुए भी उन्होंने ये बात कही कि जो मुंबई की और महाराष्ट्र की राजनीति को नहीं समझते हैं वो इसे तिल का ताड़ उन्होंने बनाया। हकीकत तो वही है और वास्तव में हकीकत वही है। इस बीच में जो करीम लाला है उनके परिवार का बयान आया है और परिवार में जो है उनके पोते हैं सलीम खान और दूसरे रिश्तेदार हैं जहान जेब खान। उन्होंने ये कहा है कि एक ज़माने में करीम लाला से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मिलने आती थी जिसमें इंदिरा गांधी ही नहीं राजीव गांधी, शरद पवार और बाला साहब ठाकरे भी शामिल हैं। यानी कि इस परिवार ने एकदम हकीकत और कलाई सबकी खोल दी। कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी भी हो, उसके नेता मिलने के लिए आते थे। साथ में परिवार ने यह भी बोला है कि ये मुलाकात कभी करीम लाला के घर पे नहीं हुई बल्कि जो है कहीं बाहर हुआ करती थी। स्वाभाविक सी बात है, जब इतने बड़े नेता मिलने जाएंगे तो ये मुलाकातें जो है घर पे नहीं होती है क्योंकि इसका मैसेज गलत जाता है कि डॉन से जो है नेता मिलने आ रहे हैं। लेकिन ये बात किससे छुपी है कि डॉन के माध्यम से ये वोट का सौदा करते रहे हैं राजनेता, पोलिटिकल पार्टी, ये सबको पता है और कोई भी पोलिटिकल पार्टी इससे अछूती नहीं है, सबका सब ये काम करते हैं। करीम लाला के बारे में ये जाना बहुत दिलचस्प होगा कि वो 1930 का वाक्य है जब वो अफगानिस्तान में पैदा हुआ था और पेशावर से मुंबई आया था, फिर वहाँ जुए का अड्डा खोला, जुए के अड्डे पे वो उसकी बड़े लोगों से जान पहचान हुई थी, फिर वो तस्करी के धंधे में उतर गया और फिर हाजी मस्तान, करीम लाला और एक और उस समय का डॉन हुआ करता था, ये तीनों मिल करके अपना वहाँ पर तस्करी, जुआ, जितना भी अवैध धंधा उगाही करने लगे थे। बाद में जब इनमें क्षेत्र को लेकर के झगड़ा हुआ था तब इन्होंने आपस में क्षेत्र का बंटवारा कर लिया कि एक दूसरे के क्षेत्र में हम जो है हाथ नहीं डालेंगे। उसी दौरान जो है जो दाऊद है वो जो है हाजी मस्तान के साथ कुछ दिनों बाद, क्योंकि दाऊद काफ़ी छोटा था, कुछ दिनों बाद आया था काम करने के लिए, हाजी मस्तान के गैंग में शामिल हो गया और काम करने लगा और जो है वो करीम लाला के इलाके में घुस गया और वहाँ पर अपना धंधा करने लगा था, जिसको लेकर के करीम लाला ने दाऊद को पीट दिया था। और फिर 1981 में क्या हुआ कि फिर से दाऊद लौटा, तब तक वो मजबूत हो चुका था। इसी बीच में क्या हुआ कि दाऊद का जो छोटा भाई था उसको जब ये नहीं माने फिर से उसके क्षेत्र में घुसने लगे तो हत्या करा दी थी करीम लाला ने, ऐसा कहा जाता है। और उसका बदला दाऊद ने बाद में ऐसे लिया कि 1986 में करीम लाला के भाई की हत्या कराई थी। और धीरे धीरे करीम लाला बूढ़े होते चले गए और उसके बाद हाजी मस्तान का भी प्रभाव कम हो गया तो दाऊद ही दाऊद छा गया। और 1993 के बम विस्फोट के मामले में उसका नाम उभर करके आया, उसके बाद से जब वो भागा तो फिर भारत नहीं लौटा, ऐसा कहा जाता है। तो करीम लाला कभी मुंबई में बहुत बड़ा डॉन हुआ करता था, हाजी मस्तान की चलती हुआ करती थी, राजनेता, ब्यूरोक्रेट सब उनके हाजिर बजाते थे, उसके पास बड़े नाम थे। और इसी बात को जब संजय राउत ने कहा तो इतना बड़ा सियासी हंगामा मच गया। अब इनके जो करीम लाला के परिवार के लोग हैं, जो पोता है और एक रिश्तेदार है, इन्होंने जो रहस्य उद्घाटन किया है, कौन नहीं आता था, शरद पवार का भी नाम जोड़ा जाता है दाऊद से, किस उनके दाऊद से रिश्ते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है। तो ये जितने राजनीति में दिखाई दे रहे हैं ये लोग इनके माध्यम से वोट का सौदा करते रहे, ये सब आते जाते हैं, ये हकीकत है। अब चाहे अच्छी हो बुरी हो ये है, ऐसा है। आज भी करीम लाला का की तो बात छोड़िए, क्या जो सांसद और विधायक जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र के जो दबंग और गुंडे किस्म के लोग होते हैं क्या उनकी मदद नहीं लेते हैं? तो हम हकीकत से कब तक मुँह चुराएंगे? इस परिवार ने सबकी कलाई तो खोल करके रख दी है। देखते हैं अब इसके बाद क्या जवाब आता है, क्या राजनीति टर्न लेती है। जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।